जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी, यही तो है हमारे भोले बाबा के प्यार की निशानी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वीडियो जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी जानकारी जो जुड़ी हुई है हेलीकॉप्टर के साथ। हालांकि श्राइन बोर्ड ने अभी तक इसकी कोई सूचना नहीं दी है कि ये कब स्टार्ट होगी, और ये लेकिन बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है। लेकिन इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ हेलीकॉप्टर की जानकारी, जिसके अंदर मैं ये आपको बताऊंगा कि हम किस रूट से जा सकते हैं, किस रूट पे कितना फेयर था पिछली यात्रा में, ताकि सो डेट कि आपको एक आइडिया हो सके, एक अनुमानित राशि आपको मिल सके कि आपका इतना फेयर रहेगा एक साइड का आने का या जाने का, या फिर दोनों तरफ का आने और जाने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए अगर आपने मेरे इस चैनल मुकुल एक्सप्लोर अड्डा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो तो कर ही लें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। जय भोलेनाथ। तो जैसा कि आप पोर्टल पे देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे साइट ओपन की है श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की, जो कि एक ऑफिशियल वेबसाइट है। और इनके साइट पे अकॉर्डिंग अगर चले तो इनके साइट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पे साफ साफ मेंशंस हैं, लिंक्स फॉर ऑनलाइन हेलीकॉप्टर सर्विस बुकिंग फॉर यात्रा 2022 टू बी अपडेटेड सून। मतलब अभी तक जो है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, कोई ऑफिशियल लिंक नहीं जनरेट हुआ है जहाँ से हम लोग यात्रा की बुकिंग कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स हैं, बहुत सारे ऐसे टूर एंड ट्रेवल्स वाले हैं जो हमको कह रहे हैं कि हम आपका इतना खर्चा लेंगे, इतना पैसा लेंगे, आपकी बुकिंग करेंगे। तो मैं कहना चाहूँगा कि किसी के झांसे मत आइए, ऑफिशियल पोर्टल पे जाके आप संपर्क कीजिए और वहाँ पे जाके बुक कीजिएगा, अन्यथा आप किसी चीटिंग के शिकार हो सकते हैं। क्योंकि अक्सर देखा गया है, अभी रिसेंटली खबर थी केदारनाथ यात्रा को लेकर, जहाँ पे लखनऊ का टूर एंड ट्रेवल जो है इस काम को अंजाम दे रहा था, जो कि पकड़ा गया। तो पैसा एक हार्ड अर्न मनी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उस टिकट का अगर हम लोग उपयोग ही ना कर सके, यूज़ ही ना कर सके यात्रा के टाइम पर, उसको कोई मतलब नहीं बनता। तो इस चीज़ों से बचें। और दूसरी चीज़ जब मैं बताने वाला हूँ आपको लास्ट ईयर कि हमारा ट्रैक कौन सा था और कितना खर्चा था, और कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं, कौन कौन से फ्लाइट ऑपरेटर्स हैं जो मूव करते हैं एक लोकेशन से लेकर दूसरी लोकेशन तक। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ एक वेब पेज जो मैंने ओपन किया है, jammu.com जाके आप चेक कर सकते हैं, एंड श्री अमरनाथ यात्रा 2022 ऑनलाइन हेलीकॉप्टर बुकिंग। लास्ट ईयर बात कर रहा है, अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने फाइनलाइज किया था अरेंजमेंट ग्लोबल वेक्ट्रा कंपनी के साथ और दूसरा हिमालय हेली सर्विस के साथ फॉर द नीलग्रत पंचतरणी नीलग्रत सेक्टर। मतलब ये बात कर रहा है क्या कि ग्लोबल वेक्ट्रा जो हेलीकॉप्टर सर्विस थी, उसने जो रूट स्टार्ट किया वो था नीलग्रत से लेके पंचतरणी तक के लिए, और जो यूटेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड थी उसका जो रूट था वो था पहलगाम पंचतरणी। मतलब पहलगाम पंचतरणी के लिए एक अलग ऑपरेटर सर्विस चल रही है, और नीलग्रत पंचतरणी के लिए अलग ऑपरेटर सर्विस चल रही है। वो सर्विस कौन कौन सी है, एक आपकी है ग्लोबल वेक्ट्रा और दूसरी है यूटेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इनकी अगर मैं सर्विस की बात करूँ और फेयर की बात करूँ, तो जो लास्ट ईयर था वन वे का बात कर रहा हूँ, पर पैसेंजर जो हेलीकॉप्टर फेयर था वो था नीलग्रत मीन्स बालटाल से। जो यात्री यात्रा कर रहे हैं बालटाल से, तो उनका जो हेलीपैड रहेगा वो नीलग्रत रहेगा। तो नीलग्रत से बात करेंगे पंचतरणी के लिए, तो उसका जो वन वे फेयर रहेगा वो रहेगा 1804 रुपये। ये अभी का नहीं है, मैं आपको बता दूँ, ये पहले का फेयर है लास्ट यात्रा का। लेकिन आपको आइडिया होगा कि अगर जैसे कि हमारा अभी तेल के खर्चे बढ़े हैं या बाकी एक्सपेंसेस बढ़े हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, तो कितना खर्चा होगा, 400, 500, 700 बढ़ सकता है, तो उसको आप लेके चलिए। लेकिन इससे कम तो होने वाला नहीं है, क्योंकि ये रेट जो था वो लास्ट ईयर का रेट था, और ये जो है डिस्क्लोज किया रहा हूँ मैं आपके सामने ताकि आपको आइडिया हो जाए कितना फेयर रहने वाला है आने वाले इस हेलीकॉप्टर सर्विस को लेके। और अगर मैं बात करूँ पंचतरणी जो कि हम ट्रैवल करने वाले हैं पहलगाम से, तो उसका जो फेयर है वो है 3104 पे। ये भी आपका एक साइड का है, ठीक है। और ये क्यों है, क्योंकि जो सेक्टर है पहलगाम पंचतरणी का, वो जो स्ट्रेच है वो 48 किलोमीटर का है, और जो बालटाल वाला है वो 14 किलोमीटर का है। तो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। लेकिन अगर फेयर की बात करें तो उस आपसे ह्यूज नहीं है, क्योंकि अगर घोड़े की बात करेंगे तो वो भी आपसे 4000 या 5000 रुपये लेने वाला है एक साइड का। तो अगर हेलीकॉप्टर में समझ दो, फिर भी अगर 4000 के आसपास आपको मिलता है तो वो कहीं बेहतर है। तो जो पहलगाम रूट है पहलगाम से पंचतरणी, वो जो है उसका जो फेयर है वो काफ़ी कॉस्टली रहेगा एज कम्पेयर टू बालटाल रूट। और फॉर बुकिंग की बात करूँ, तो फॉर बुकिंग अगर आपको करनी है हेलीकॉप्टर टिकट की नीलग्रत मतलब बालटाल पंचतरणी रूट से, तो हमें जाना पड़ेगा ग्लोबल वेक्ट्रा की साइट पे, या फिर जाना होगा हमें हिमालय हेली सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की ओर से। अब ये इस साल जो है ये दो सर्विसेज हैं जो चलेंगी, एक ग्लोबल और एक हिमालय। जब भी आपका साइट पे मेंशन होगा
श्री यमुना श्राइन बोर्ड की साइट पर जाके कि हाँ बुकिंग लाइन ओपन हो चुकी है, लिंक्स अवेलेबल हो चुकी हैं, तो आप वहां पे जाके बुक कीजिए। किसी भी टूर एंड ट्रैवल एजेंट के चक्कर में मत फंसिए, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि आपका पैसा व्यर्थ भी जा सकता है और आपका समय भी बर्बाद हो सकता है। तो उस चीज से आप बचे, उस चीज में बिल्कुल भी ना फंसे, बिल्कुल भी ट्रैप ना हो। दूसरा, अगर हम बात करते हैं, अगर कोई यात्री है जो जाना चाहता है पहलगाम से पंचतरणी हेलीकॉप्टर के थ्रू, तो उनको कॉन्टेक्ट करना होगा यूटेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। हेलीकॉप्टर बुकिंग से संबंधित जानकारी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बुकिंग करने के लिए हमें क्या करना होगा, यात्रा परमिट चाहिए कि नहीं चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए कि नहीं चाहिए, ये मैं आपको अभी इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। क्योंकि बुकिंग करना आसान है, लेकिन अगर जो दूसरे पैरामीटर्स है वो भी हमारे पूरे होने चाहिए, हमारा जो क्राइटेरिया है पूरा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम बुकिंग कर ले और बाद में हमें दिक्कत का सामना करना पड़े। तो वो एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है उसकी हम बात करते हैं। तो जो यात्री अवेल करना चाहता है हेलीकॉप्टर सर्विस को पंचतरणी के लिए, चाहे वो बालटाल से जाए चाहे वो आपका पहलगाम से जाए, उसको क्या करना होगा, हेलीकॉप्टर की जो टिकट है वो ही मानी जाएगी यात्रा परमिट। देर इज नो नीड टू रजिस्टर yourself टू टेक यात्रा परमिट फ्रॉम एनी ऑथराइज्ड बैंक। किसी भी बैंक में जो शाखाएं दी गई थी श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा कि आप इन बैंक में जाके परमिट को निकाल सकते हैं, तो अगर आप हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं तो आपको परमिट की जरूरत नहीं है, आपकी हेलीकॉप्टर टिकट ही आपका परमिट माना जाएगा। लेकिन जो मेडिकल है वो मैंडेटरी है, इट्स अ कंपल्सरी। बट सच यात्री विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट फॉर ईच पैसेंजर ड्यूली इशूड बाय द ऑथराइज्ड डॉक्टर, जो कि उन्होंने वेबसाइट पे मेंशन किए हुए हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज एरिया वाइज कि इस पैनल से वो ऑथराइज होना चाहिए। तो हेलीकॉप्टर टिकट है, परमिट की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंडेटरी है क्या, मेडिकल सर्टिफिकेट। अगर ये नहीं होगा तो आपको हेलीकॉप्टर पर बोर्ड करने नहीं दिया जाएगा, इस चीज पर आप ध्यान देना। उसके बाद हम बात करते हैं, प्लीज डेट नो यात्री इज अलाउड टू बोर्ड द हेलीकॉप्टर विदाउट द फर्स्ट सबमिशन ऑफ द CHC। कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको बोर्ड नहीं करने दिया जाएगा किसी भी सूरत के अंदर। मेजर पॉइंट क्या है, विद वन क्रेडिट कार्ड वन डेबिट कार्ड ए मैक्सिमम ऑफ 5 पैसेंजर्स शैल बी बुक्ड। एक कार्ड के साथ आप 5 पैसेंजर्स की टिकट बुक कर सकते हैं। अब ये बात एक समझने वाली है, फॉर एग्जाम्पल कि मैं हूँ, हम लोग 5 लोग जा रहे हैं, मैंने अपने कार्ड से 5 टिकट बुक कर दी, राइट। अब मैं उस कार्ड को किसी और बुकिंग के लिए यूज नहीं कर सकता, हेलीकॉप्टर बुकिंग की बात कर रहा हूँ, किसी और की नहीं। एक बार मैंने 5 टिकट निकाल लिए तो मैं उस कार्ड से दोबारा पेमेंट नहीं कर सकता, इस चीज का भी आपने ध्यान देना है। अगले 3 हफ्तों के लिए आप उस कार्ड को दोबारा यूज नहीं कर सकते टिकट की बुकिंग के लिए, इस चीज का आपने ध्यान देना है। कई बार क्या होता है, फैमिली में कार्ड एक ही होता है, हम लोग किसी फ्रेंड की बुक कर देते हैं, जब अपनी बारी आती है तो फिर वो अलाउ नहीं करने देगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कंडीशन जो है अभी भी आ सकती है, इसको आप ध्यान रखना, ये हटने वाली नहीं हो सकती। उसके बाद, द क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज फॉर बुकिंग शैल हैव टू बी रिप्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ इश्यूएंस ऑफ द बोर्डिंग पास। जब आप वहां पे उनके काउंटर पे जाएंगे बोर्डिंग पास लेने के लिए, तो जिस क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से आपने पेमेंट मोड से पेमेंट किया होगा वो आपको वहां पे शो करना होगा, इस चीज का आपने ध्यान देना है। अब आपने ये ऐसा क्यों रखा गया है, क्योंकि जो बहुत सारे टूर एंड ट्रैवल होते हैं वो अपने कार्ड से बुक कर देते हैं, अपने कार्ड से बुक करेंगे तभी तो प्रॉब्लम है, इसी को रोकने के लिए चीजें मानी गई हैं। हालांकि सो कार्ड वहां पे, जिस कार्ड से हमने बुकिंग की रहती है वो वहां पे शो करना होता है, अदरवाइज आपको किसी भी एंगल से वो वहां पे आगे निकलने नहीं देंगे, इस चीज का आपने ध्यान देना है। बच्चा जो 13 साल से कम है और जो एल्डर पर्सन है जो 75 साल से ऊपर है, या फिर जो लेडी प्रेग्नेंट है 6 वीक से ऊपर, उनको तो यात्रा के लिए परमिशन ही नहीं है, चाहे आप घोड़े पे जाओ चाहे हेलीकॉप्टर पे जाओ, उनके लिए तो वैलिड ही नहीं है। तो इन चीजों की, इनको देखते हुए तो आप बुक के लिए सोचना भी मत। और जैसे कि हर एक ऑपरेटर की अपनी एक गाइडलाइन होती है जैसे टाइमिंग्स को लेके, तो जो टिकट पे लिखा रहेगा कि आपको इतने समय पहले वहां पहुंचना है और आपको इन चीजों का जो है पालन करना है, तो वो हमें करना होगा। अगर हम वो नहीं करेंगे तो नेचुरली बात है टिकट कैंसिल भी हो सकती है या फिर हमें डिले का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि आपका हेलीकॉप्टर आपको बिल्कुल गुफा के पास ले जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो श्री अमरनाथ जी केव है वो पंचतरणी से तकरीबन 5 से लेकर 6 किलोमीटर के बीच में है, जिसके लिए आपको घोड़ा पालकी या फिर पैदल रास्ते का उपयोग करना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर में सिर्फ आप पंचतरणी ही पहुंच सकते हैं, केव तक नहीं पहुंच सकते। सो पंचतरणी से केव का रास्ता 5 से 6 किलोमीटर का है, इसका ध्यान रखें। आगे कैसे जाना है इसका भी ध्यान रखें। हालांकि बाबा का बुलावा आया तो भक्त तो पहुंच ही जाते हैं, वह भोले बाबा का जयकारा लगाते हुए,
लेकिन फिर भी अगर हम प्लान कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि नहीं हम हेलीकॉप्टर से वहां तक पहुंचेंगे तो ऐसा नहीं होगा, हमें फिर भी 5 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है हमें अपने आप से कवर करना होगा। उम्मीद करता हूँ जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें, और हाँ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दें ताकि आपको ऐसी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। जय भोलेनाथ।